नमस्कार। कार्यक्रम सितारों की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दर्शकों की पुरजोर मांग पर बात करेंगे ऊपरी बाधा के बारे में। जैसे बहुत से जगह पे ये बात चलती है ऊपरी बाधा की। प्रिय दर्शकों, जातकों की जब भी हम जन्म पत्री का अध्ययन करते हैं तो उनके बताए हुए जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको बेस मान के ही आज का हम एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जातक आके हमें कहता है कि गुरुजी, हमें लगता है कि आसपास कोई ना कोई जैसे मौजूद है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तो फिर जब हम घर के मेंबर्स को बताते हैं तो वो कहते हैं कि तुझे तो वहम हो गया, और वो मजाक उड़ा देते हैं। तो ऐसे जातक जो है बहुत से हैं जिनको वास्तविक रूप में लगता है कि उनके आसपास कोई है। फिर ऐसे ही लक्षण होते हैं बुरे सपने आना, कि जब जातक रात में नींद में सारी सारी रात बुरे सपने देखता रहता है तो वो आके बताता है कि मुझे बहुत सपने आते हैं, गंदगी दिखाई देती है सपने में, मेरे पीछे लोग पड़े हैं, अजीब से चेहरे, मुझे मारने काटने वाले, और बार बार सांप दिखाई देते हैं, कभी मुझे मार रहे हैं कभी मुझे डंस रहे हैं। तो ऐसे ही कई लेडीज का कहना है कि हमें ऐसे सपने आते हैं कि जैसे घर के बाहर कोई आके हमारा जोर से नाम लेता है। तो जब हम दरवाजा खोलते हैं तो वहां पे एक काला सा सांड दिखाई देता है जो हमें सींग मारने के लिए आया, कोई नाक दिखाई देता है जो डसने के लिए आया, नींद खुल जाती है, सारी रात घबराहट रहती है। तो ऐसी चीजें बहुत सी दिखाई देती हैं। और ऐसा ही कई लोग कहते हैं कि हमें सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, शव यात्राएं दिखाई देती हैं, और कोई सपने में उनसे बातें करते हैं मरे हुए लोग, और कई बार उनसे तो फिजिकली भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं मरी हुई आत्माएं, उनको महसूस होता है जैसे उनके शरीर के साथ कोई छेड़खानी हो रही है। फिर बड़ी बार हम देखते हैं जिन लोगों को ऊपरी कसर होती है वो अकेले बैठे अपने अपने विचारों में खोए रहते हैं, अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, बार बार उंगलियां उनकी हिल रही हैं इधर उधर जैसे किसी से बात कर रहे हैं। तो उसका यही नतीजा निकालते हैं कि ऐसा व्यक्ति हवा में जैसे किसी के साथ बातें कर रहा है, कोई उसके सामने बैठा है, कोई आत्मा बैठी है। जब कुंडली देखते हैं तो पता चलता है कि चंद्रमा बहुत कमजोर है, अस्त है, या नीच का है, या राहु केतु और शनि के प्रभाव में है, जैसे शनि और चंद्र मिलकर विष योग भी बना देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, उसके अगर ग्रह उच्च के भी हैं लेकिन पाप प्रभावित चंद्रमा उसका होता है तो शक्की होता है, वहमी होता है। ऐसे जातकों को हमेशा लगता है कि वो या किसी को मार देंगे या अपने आप को मार लेंगे और इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे। ये निशानियां होती हैं जब एक इंसान के ऊपर किसी का कुछ किया कराया होता है, जादू टोना तंत्र। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इसका बहुत आसान सा इजी सा उपाय होता है। जैसे पिछले दिनों देश के 15 राज्यों के ज्योतिषी इकट्ठे थे धर्मशाला में, वहां भी हमने कुछ उनको रेमेडीज बताई थी कि तंत्र को सिर्फ 750 रुपए में क्योर किया जा सकता है, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर किसी को ऐसी समस्या हो तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो सके। हमारे फेसबुक पेज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचते रहे। अब आज का राशिफल, मेष राशि के जातक जो है आज सारा दिन मायूसी में कट सकता है। वृष राशि वाले दूर दराज से मेहमान आ सकते हैं। मिथुन राशि वाले विदेश के साथ तार जुड़ सकते हैं। कर्क राशि वाले जो चाहेंगे आज मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान भरा दिन है, जबकि कन्या राशि वाले आज सरकारी अधिकारियों से कुछ प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि वाले जातक जो है आज थोड़ा वहमी और डरे डरे रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए किस्मत का सितारा बुलंदियों पर है। धनु राशि वाले जिस तरफ जाएंगे आज जयकार होगी। मकर राशि वालों के लिए किस्मत आज थोड़ी ढीली हो सकती है। कुंभ राशि वालों का व्यापार फेल हो सकता है और मीन राशि वालों की शादी की बातचीत चल सकती है। तो बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि सुखमंदा जी, हम भी आकर आपसे मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, आपसे रत्न और रुद्राक्ष लेकर पहनना चाहते हैं, वास्तु का विजिट करवाना चाहते हैं या नक्शा चेक करवाना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप समय लेकर हमारे पास आ सकते हैं।
फिर ये सारा कुछ पूछ सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर, 30G श्रावण नगर, लुधियाना, पंजाब, इंडिया। फ़ोन नंबर 9417020533 और व्हाट्सएप नंबर है 9872620533। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हो तो माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियाँ मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और बेटियों को कोख में मत मारिए, हर घर के बाहर एक पेड़ ज़रूर लगाइए, और नशों से परहेज करिए, और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में लगाइए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।